प्रकाश क्रम विनिमय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ संख्या दिया हुआ है, संख्याओं का स्थान परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 42 प्लस 36, इसी को बदल दिया गया है। नीचे देखिए 42 दाहिना तरफ लिखा हुआ है और 36 बाएं तरफ लिख दिया गया, मैंने यहां स्थान परिवर्तन कर दिया गया। अब देखिए कि जोड़ में क्या आता है, आप वंश को वंश से जोड़ते हैं तो 6 और 2 कितना होता है, यहां 8, 3 और 4 क्या होगा, 78 आ गया। अब देखिए इसका क्रम बदल दिया गया है, 40 के स्थान पर देखिए दाईं ओर लिख दिया गया है और 36 को बाईं ओर, यानी 36 को दूसरी ओर लिख दिया गया है। अब इसको जोड़िए, 6 और 2 को जोड़ते हैं, इकाई पर दोनों है, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 4 और 3 कितना हो गया, 7। यहां हम देखते हैं कि स्थान परिवर्तन के बाद भी दोनों का आंसर एक ही आता है, इससे हम समझते हैं कि संख्याओं का अगर अदला बदली हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, तो उसमें जोड़ में अंतर नहीं आता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, इसमें भी एक संख्या को दूसरी और दूसरी संख्या को बदल दिया गया है, तो 2 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 4 और 2 कितना होगा, 6, और 2 और 1 यानी चाहेंगे कि आप करते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया 36। इसको देखिए, यहाँ 12 था इसके स्थान पर यहाँ कर दिया गया और 24 है इसके स्थान को बदल दिया गया, मतलब एक स्थान को दूसरी ओर बदल गया, पहले स्थान को इस दाहिनी और दाहिनी स्थान को बाईं ओर कर दिया। अब इसको देखते हैं, 4 और 2 को जोड़ते हैं कितना होगा, 6, और 1 और 2 दहाई है, दहाई के अंक जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ भी देखते हैं कि संख्याओं को अगर हम बदल देते हैं, स्थान परिवर्तन कर देते हैं, तो जोड़ में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, वैल्यू में अंतर नहीं होता है, उत्तर एक ही होता है। इसी के आधार पर हम यहाँ कुछ वर्क दिए हैं, या एक उदाहरण और आप देख सकते हैं, यहाँ मान लिया जाए कि 15 है और प्लस 30, अगर यहाँ लिखा हुआ है 30, तो इसको अगर हम बराबर करते हैं तो दूसरी ओर की संख्या लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा, 15। देखिए पहली संख्या 15 है, इसमें पहली संख्या 13 है और दूसरी ओर की संख्या 13 है, इसमें 15 है, इन दोनों को जब हम क्रिया करते हैं तो एक ही उत्तर आएगा। इसी के आधार पर हम यहाँ कुछ वर्क दिए हैं, इसको आप बना के लाएंगे। थैंक यू।